वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन 83, जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमें ये समझना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर और मैडम जैसे शब्दों का यूज किया गया हो तो हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा और किस तरीके से हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होगा। फ्रेंड्स, बात करते समय हम लोग कई बार सर और मैडम जैसे शब्दों का यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता, सर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मैडम क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, सर आप कहाँ से हैं, मैडम आपका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम सामने वाले से बात कर रहे हो और उसे हम ज्यादा रिस्पेक्ट देना चाहें तो ऐसी कंडीशन में हम सर या मैडम जैसे शब्दों का यूज संबोधन के रूप में करते हैं। कई बार क्या होता है कि सर और मैडम जैसे शब्द का यूज हम लोग सेंटेंस के पहले कर लेते हैं और कई बार सेंटेंस को बोलने के बाद हम सर और मैडम बोल देते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे कहा होता, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ मैडम, तो मैडम जैसे या सर जैसे शब्दों का यूज सेंटेंस के पहले या फिर सेंटेंस के बाद में किया जा सकता है। तो हमें आज यही समझना है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर और मैडम जैसे शब्दों का यूज किया गया हो तो उसे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लिख के रखे हुए हैं, जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सभी जगह मैंने या तो सर लिखा है या फिर मैडम, और यहाँ पर देखिएगा इस सर शब्द का यूज मैंने सेंटेंस के लास्ट में कर दिया है। तो दोनों ही कंडीशन ठीक है, आप सर या मैडम जैसे शब्दों का यूज सेंटेंस के पहले या फिर आप बाद में कर सकते हो। अब ऐसी कंडीशन में से अगर हमें इनडायरेक्ट करना होता तो हमें क्या करना होता, वो सारी चीजों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। हमें सारे पुराने रूल तो फॉलो करने ही है, इसके अलावा हमें क्या करना होगा वो देखिए। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इस रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को हमें कॉपी करना होगा। अब पुराना रूल देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा है कि आई एम एट होम तो सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई है, सब्जेक्ट से हुई है, और ऐसी कंडीशन देखिए वो बताने का काम कर रही है। तो इस सेट टू को हटा देना होगा और हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, टोल्ड। फिर इस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना होगा, कॉपी करना होगा। अब ये बताइए कि अगर हमारा सेंटेंस सिंपल हो यानी इसकी शुरुआत अगर सब्जेक्ट से हो रही है तो ऐसी कंडीशन में इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया था, दैट का यूज किया था। तो आपको दैट का यूज करना है, लेकिन आपको समझना ये है कि जिस शब्द का यूज आप इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए कर रहे हो उस शब्द के ठीक पहले आपको रिस्पेक्टफुली लिखना होगा। तो मैं क्या बोलने वाला हूं, देखिएगा, सी टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली, आर ई एस पीई सी टी एफ यू डबल एल वाई, यानी इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने वाले शब्द के ठीक पहले हमें रिस्पेक्टफुली लिखना होगा। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, डैट लिखना होगा। अब अगली कंडीशन देखिएगा कि अब इस डैट के बाद हमें सर या मैडम जैसे शब्दों को लिखना ही नहीं, इस सर और मैडम जैसे शब्दों को हटा देना होगा और इस आई का रिलेशन किससे बनेगा, इस सी से। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा कि सी वॉज एट होम। तो ध्यान से देखिए हमारा सेंटेंस क्या था कि सी सेड टू मी सर आई एम एट होम, और इसको हमने इनडायरेक्ट किया तो मैंने क्या बोला है, सी टोल्ड मी रिस्पेक्टफुली दैट सी वॉज एट होम। अब अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में इजमर आएगा तो उसे तो हमें वॉज वर्ब में बदलना होगा, और ये हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पहले ही पढ़ के रखा है। तो क्या किया हमने यहाँ पर, ये देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने वाले शब्द के ठीक पहले हमें क्या लिख देना है, रिस्पेक्टफुली, और सर और मैडम जैसे शब्दों को हटा देना है, बाकी सारे पुराने रूल्स ही हमें फॉलो करने हैं। एक एग्जांपल मैंने और आपके सामने लिखा हुआ है और वो क्या लिखा है कि ही सेड टू हर, मैडम आर यू अ टीचर। तो देखिए जो लड़का है ना, इस लड़की से पूछ रहा है कि क्या आप शिक्षक हैं, बट उसने क्या बड़ी विनम्रता से पूछा है, रिस्पेक्टफुली ढंग से पूछा है कि मैडम क्या आप शिक्षक हैं। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट तो अभी भी कॉपी करना है। इस सेट टू को अगर चेंज करेंगे तो किस में बदलना होगा, हमें आफ्ट में, क्योंकि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। इसके ठीक बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, हर लिखना होगा। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें किसका, इफ का यूज करना है, लेकिन इफ के पहले हमें क्या लिखना होगा, रिस्पेक्टफुली, आर ई एस पीई सी टी एफ यू डबल एल वाई,
और इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें किसका यूज करना होगा, इफ का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। इसके ठीक बाद हमें सब्जेक्ट रखना होगा, तो इस यू का रिलेशन किससे बनेगा, हर से, और इस हर का जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब फिर से इसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, बॉस, और आगे क्या लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर, टीचर। तो ध्यान दीजिए हमारा सेंटेंस क्या बना, ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ सी वॉज अ टीचर। अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिखा हुआ है, सी सेड टू हिम वेयर डू यू प्ले सर। अब इसको अगर मैं बनाऊंगा तो मैं आपसे क्या बोलूंगा, इसको ध्यान देखिएगा, क्या हुआ, सी और सैड को मैंने किस में बदल दिया, आस्क्ड में, तो सी आस्क्ड, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा मुझे, हिम। इसके बाद देखिए अगर सर लिखा हुआ है यानी क्या, वो फिर से यहाँ पर रिस्पेक्ट तो दे रही है उस व्यक्ति को, ऐसे ही कंडीशन मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर रिस्पेक्टफुली फिर से लिखना होगा, आर ई एस पी ई सी टी एफ यू डबल एल वाई। अब इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करना होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो रही हो तो इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज किया जाता है। तो इस रिस्पेक्टफुली के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, वेयर। अब इस वेयर के बाद मुझे क्या, सब्जेक्ट को एड करना होगा, तो यू का मतलब किससे था, इस हिम से, इस हिम का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ही, और सेंटेंस का हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जिसको पास्ट इंडेफिनिट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर ही प्ले। और सर या मैडम जैसे शब्दों को तो मुझे हटा ही देने, तो आपने देखा मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल लिखे थे। अब फ्रेंड्स इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सेड टू मी सर प्लीज पी एल ई ए एस ई प्लीज हेल्प मी, अब ऐसी कंडीशन मुझे क्या करना होगा, तो देखिएगा सबसे पहले मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूँ, रिक्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि अब ये लड़की अपनी सहायता करने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सी रिक्वेस्टेड मी, आर ई क्यू यू ई एस टी ई डी, सी रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली, और इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए अब मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, टू लिखना होगा। उसके बाद हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को कॉपी कर देना है, और इसके बाद इस मी का रिलेशन किससे बनेगा, इस सी से, तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, से रिक्वेस्टेड मी रिस्पेक्टफुली टू हेल्प हर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि सर या मैडम जैसे शब्दों को हटा दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए जिस शब्द को हम यूज कर रहे थे उसके ठीक पहले क्या लिख दीजिए, रिस्पेक्टफुली लिख दीजिए, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस सेंटेंस में सर को हटा दूं तो हमें क्या करना था, इस रिस्पेक्टफुली को हटा देना और कुछ नहीं करना। इसी तरीके से अगर मैं इस सेंटेंस से मैडम को हटा दूं तो फिर से हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें क्या करना होगा, रिस्पेक्टफुली को हटा देना होगा। तब देखिए जो हमारे रूल्स थे ना ये पुराने रूल्स हो गए, क्या लिखा था, ही सेड टू हर आर यू अ टीचर, तो क्या बन गया, ही आस्क्ड हर इफ सी वाज अ टीचर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, तो प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।